You are now unmuted. Hi guys, good afternoon. कैसे हो आप सब भाई? क्या चल रहा है? कैसे हो? अच्छा सर, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ. ये बताओ कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में सर मालवा प्लेट्यू पढ़ी थी मालवा प्लेट्यू पढ़ी थी. ठीक है सर, एक छोटी सी समस्या है, मैं बताना चाहता हूँ आपको. बताओ बताओ. सर 9 सितंबर को मैंने बैच ज्वाइन करा था, कोचिंग ज्वाइन करी थी. 9 सितंबर सर, ठीक है. सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने हो गए सर. तब ज्योग्राफी हमारी शुरू हो गई थी जैसे मैंने ज्वाइन करा था. तो सर अभी हमारी चल रही है ज्योग्राफी इन इंडिया. अभी ज्योग्राफी का कम से कम अभी 75% तो बचा है ज्योग्राफी. 3 महीने में सर, वही सर 3 महीने में ज्योग्राफी चल रही है सर, 3 महीने रह गए. और तो सर सिलेबस या तो क्वांटिटी बढ़ा दो क्लासेस की सर, या फिर इकट्ठे 3 घंटे की क्लास लेने लग जाओ सर. ऐसे तो होगा ही नहीं सर सिलेबस. आपका जो सिलेबस है एसएससी बैंकिंग का, जो सिलेबस जो बोला जाता है 4 मंथ्स, 4.5 मंथ्स बोला जाता है, उस ड्यूरेशन के अंडर आपके सारे सब्जेक्ट्स ख़त्म कर दूंगा. ठीक है. मैं आपको क्लियर कट रीज़न बता देता हूँ. क्लियर कट रीज़न ये है, ठीक है, अगर आप ये बोलते हो कि ज्योग्राफी का क्वांटिटी बढ़ा दो, आई कैन डू इट. फिर बट द रीज़न इज़ फिर मैं नहीं पढ़ा पाऊँगा, मैं नहीं पढ़ा पाऊँगा, फिर और कोई आएगा. ठीक है, बिकॉज मुझे ये बोला गया था कि इस क्लास में क्योंकि सिंस मैं आईएएस के एस्पिरेंट्स को पढ़ाता हूँ, मुझे बोला था कि हफ्ते में हमारे बच्चों को एक क्लास देना, इसलिए मैं हफ्ते में एक दिन यहाँ पढ़ाता हूँ. ठीक है, हफ्ते में एक या दो दिन पढ़ाता हूँ. बट अब ये चीज़ समझो कि आप अपने सब्जेक्ट को एक सब्जेक्ट कंसिडर कर रहे हो, मैं आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ. जैसे अभी आपका इकोनॉमिक्स ऑलमोस्ट लगभग कंप्लीट होने वाला है, ठीक है, कुछ चैप्टर्स के बाद इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगा, तो 2 सब्जेक्ट्स आर गोइंग साइमल्टेनियसली. ठीक है, तो उस चीज़ को आप वरी मत करो. ठीक है, अगर अगर ये वो है तो मैं मैनेजमेंट को इन्फॉर्म कर दूंगा कि इनके क्लासेस बढ़ा दो, तो बट फिर और कोई पढ़ाएगा, ठीक है, इट वोंट बी मी, क्योंकि मेरी क्लासेस इससे ज़्यादा. अगर सर अगर इसी स्पीड से चलता रहा, 3 महीने में ज्योग्राफी नहीं हुई और अभी आधी भी नहीं हुई, तो सर ये तो डिफिकल्ट लग. नहीं नहीं 4.5 महीने में मुझे जो टाइम स्लॉट दिया है 4.5-5 महीने में आई विल फिनिश इट. डोंट वरी अबाउट दैट. मुझे जो टाइम स्लॉट दिया उसमें आई विल फिनिश इट. ठीक है, अब उस पे आप वरी. सितंबर के बाद, 9 सितंबर के बाद ज्वाइन करने के बाद सिर्फ 2 चैप्टर्स हुए हैं यार इकोनॉमिक्स में जो अभी आपके चैप्टर हुए हैं, तो अभी आई इंक्रीज द स्पीड. नो, ऐसा नहीं होता. जो स्टार्टिंग के बैचेस चैप्टर्स जो होते हैं उस स्पीड में नहीं होता लास्ट के चैप्टर्स. अब ये समझो कि स्टार्टिंग में वी आर सेटिंग अप योर बेसिस. ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इफ़ यू वॉन्ट कि आई आस्क द मैनेजमेंट टू स्विच द क्लासेस. जैसे मैं पहले करंट अफेयर्स पढ़ाता था, तो देन दे आस्क कि इसकी क्लासेस इंक्रीज कर दो, तो देर वॉज नो ऑप्शन. देन संजीव सर वॉज ब्रॉट इन टू द पिक्चर, में संजीव को बोला गया कि करंट अफेयर्स पढ़ा दो. तो इफ़ यू आर आस्किंग फॉर दैट आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, मैं बोल दूंगा, कोई इशू नहीं है. बट यार अगर मुझसे क्लास लेनी है तो इट्स नॉट पॉसिबल कि 1 आवर को मैं 1.5 आवर कर सकता हूँ, बट 3 आवर्स नहीं हो पाएंगे. द चॉइस इज योर्स. ठीक है, आप बता देना मुझे. बट 4.5 मंथ जिसको मेरे से पढ़ना है, आई विल फिनिश इट इन 4.5 मंथ फॉर श्योर. उस पर वरी मत हो. ठीक है, बाकी और कुछ समस्या? मेरे पढ़ाने के तरीके में कोई समस्या है तो बताओ. पढ़ाते तो आप बहुत. गुड इवनिंग सर. हाँ दीपक. गुड इवनिंग सर. सर क्लास अभी चालू हुई है क्या? हाँ हाँ दीपक अभी चालू हुई है. ओके सर, थैंक यू. ठीक है गगनदीप, मैं बता दूंगा, मैनेजमेंट को बता दूंगा, बट यार मेरी क्लासेस टाइमिंग इंक्रीज नहीं हो पाएंगी, टू बी वेरी फ्रैंक. बट हाँ, आई विल फिनिश इट ऑल द सब्जेक्ट्स इन 5.5 मंथ्स, 4.5 मंथ्स, 4.5-5 मंथ्स. तो सर अभी ज्योग्राफी का जैसे 50% भी नहीं हुआ, तो यहाँ से अभी हम 4.5 और एक्सपेक्ट करें क्या आगे? ना ना, टोटल 4.5-5 मंथ्स. मतलब सर अब 1.5 महीना रह गया, 3 महीने जा चुके हैं, तो 1.5 महीने में आप ज्योग्राफी भी करा दोगे, पॉलिटी भी करा दोगे और हिस्ट्री भी करा दोगे. कितने सब्जेक्ट बचे हैं? सर ज्योग्राफी तो चल रही है अभी, पॉलिटी भी है, हिस्ट्री भी है. इकोनॉमिक्स हो गया ना लगभग? इकोनॉमिक्स अभी 1.5 महीने में आपके तो सेपरेट है सर, उसको सेपरेट कर. क्यों? इकोनॉमिक्स जीएस में नहीं आता? एसएससी के जीएस में नहीं आता? गगनदीप जीएस में आता है, लेकिन सर उसकी क्लास तो हर हफ्ते एक उसकी चलती है ना. अब यहां ज्योग्राफी तो भाई इकोनॉमिक्स खत्म होने के बाद वहां पे दूसरा सब्जेक्ट रिप्लेस कर जाएगा. ज्योग्राफी खत्म होने के बाद यहां पे दूसरा सब्जेक्ट रिप्लेस करने जा पाएगा. ठीक है, मतलब सर 1.5 महीने में आप करा दोगे सर? हां हां, डोंट वरी.
और कुछ पढ़ाने के तरीके में कोई, देखो टाइमिंग इंक्रीज करना मैनेजमेंट का डिसीजन है, वो उसमें भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, बट मेरे पढ़ाने के तरीके में कोई इशू है तो बता दो, नहीं सर बिल्कुल भी नहीं। तो फिर उसमें मैं कुछ कर सकता हूँ। अब बताओ क्या पढ़ना है, बताओ कहाँ तक पढ़ा था, ये सब पढ़ाया था मैंने, कहाँ तक पढ़ाया था, व्हाट वाज़ द लास्ट टॉपिक, मालवा प्लेटिन सर। मालवा प्लैटी, ठीक है ये पढ़ा दिया था, ठीक है अब ठीक है बागलकंद प्लैटी, ठीक है अब यार इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, हम प्लैट्यूज पढ़ रहे थे, हमने काफी सारे प्लैट्यूज पढ़े, ठीक है इसके बाद हमें छोटे छोटे प्लैट्यूज पढ़ने, हिल रेंजेस पढ़ने और उसके बाद आइलैंड्स पढ़ने, तो ये कराने का मकसद ये होता है कि आपको इंडिया का मैप क्लियर हो जाए, ठीक है। अब आते हैं दंत रनायका प्लैट्यू, कौन सा प्लैट्यू है, दंत रनायका प्लैट्यू, अब दंत रनायका प्लैट्यू कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है, सदर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड एडजॉइनिंग पार्ट्स ऑफ ओडिशा, तो बेसिकली दंत रनायका प्लैट्यू आपसे पूछा जाएगा कि ये कहाँ पर है, तो दिस इज इन छत्तीसगढ़, दिस इज इन छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा, ठीक है। अब जो दंत रनायका प्लैट्यू को एक और नाम से जाना जाता है जिसको कहते हैं बस्तर प्लैट्यू, बस्तर के बारे में सुना है किसी ने, बस्तर के बारे में सुना है, बस्तर नो सर। नहीं सुना आपने, सुना है कि बस माओइस्ट, सुना है माओइस्ट, माओइस्ट, माओइस्ट एरिया सुना है, सुना है यार कोई तो बोलो, हाँ या ना कुछ तो बोलो, बोला सर नहीं कुछ। गगनदीप, बेगलकन भी रहा नहीं सर था नहीं सुना। यार, माओइस्ट वो लोग होते हैं जैसे पूलन देवी थी, जो लोगों के सर काट के ले जाते हैं, सर काट के ले जाते हैं, इट इज दे मतलब वो गवर्नमेंट के खिलाफ काम करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ने उनको प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं दी, जॉब नहीं दिया, तो वो गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाते हैं और बहुत रूथलेस होते हैं। ये जो बस्तर एरिया है, बस्तर एरिया में सबसे ज्यादा भारत के आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर का पनिशमेंट ट्रांसफर होता है, क्योंकि इस इलाके में सबसे ज्यादा माओइस्ट होते हैं, तो जो बेसिकली ये जो आवाज उठाते हैं आईएएस ऑफिसर और आईएएस ऑफिसर के खिलाफ उठाते हैं, जो कि किडनैप करके ले जाते हैं, तो ये बस्तर प्लैटी हुआ है और ये छत्तीसगढ़ में, तो ये जो दंत रनायका प्लैट्यू है इसको बस्तर प्लैट्यू के नाम से भी जाना जाता है, ठीक सर है। ये नक्सल्स की बात कर रहे हो क्या? हाँ नक्सल्स हो गए, माओइस्ट हो गए, सुना है, ओके ओके ठीक है, मैं नक्सल सुने। हाँ वो सेम ही होते हैं, मतलब ऑब्वियसली दे वर्क अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ठीक है, उनको ये लगता है कि उनको प्रॉपर फैसिलिटीज लाइक उनको देख, हमारे लिए बेसिक नीड्स क्या है, फूड क्लोथ्स, अगर ये मुझे प्रॉपरली कोई देगा नहीं तो भाई मैं उसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा ना, तो उस टाइप के लोग होते हैं, तो ये ज्यादातर आदिवासी इलाकों में पाए जाते हैं, छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में, ठीक है। अब यहाँ पे ओके ये सर हाँ सुने, नथिंग सर। नाउ दिस एरिया हैज रिच इन मिनरल्स, ठीक है, यहाँ पर बहुत ज्यादा मिनरल्स पिले जाते हैं जैसे आयरन और मैगनीज, ठीक है, तो हमने यहाँ क्या पढ़ा, दंत नायका प्लेटियो आपसे पूछा जाएगा कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है, और इस दंत रनायका प्लैट्यू को किस नाम से जाना जाता है, इसको बस्तर प्लैट्यू के नाम से जाना जाता है, बस्तर प्लैट्यू के, और यहाँ पे बहुत रिच इन मिनरल्स होते हैं और आयरन और मैग्नीज भी यहाँ पे मिलते हैं, क्लियर, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। तो आपका बेसिकली क्वेश्चन आएगा कि दंत रनायका प्लैट्यू कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में है, इसको किस नाम से जाना जाता है, बस्तर प्लैट्यू के, और यहाँ पे आयरन और मैग्नीज मिलते हैं, समझ में आ गया, कोई डाउट, सर सर डाउट तो नहीं है, मतलब ये आपने अभी तक 6 प्लेट्यूज करवा चुके हो आप, और अभी आई गेस आगे और भी होंगे, तो सर इन सब को ऐसे मेमोराइज करना ऐसे टफ नहीं इनको होगा? मेमोराइज करने का सिंपल तरीका, आप इंडिया का मैप लो, इंडिया का मैप लो, जैसे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ को मार्क करो और यहाँ लिख दो दंत रनायका, दंत रनायका, ठीक है, और उड़ीसा में भी मार्क कर दो और लिख लो दंत रनायका, और उस दंत रनायका में लिख दो दंत रनायका है छत्तीसगढ़ उड़ीसा और बस्तर प्लेटियो, और वहां पे मिनरल्स कैसे मिलते हैं, आयरन और मैग्नीज, ठीक है, बेसिकली ये मैप वर्क से करना, ठीक है, जो भी मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ ओके इसको मैप से करना, ठीक है यशिका,
पीछे बॉयज ड्रॉप यस ठीक है। अब आते हैं मेघालय प्लेट्यू। अगर आपको मैं किताब थ्योरी के फॉर्म में पढ़ाऊंगा ना आपको जिंदगी में याद होगा, इसलिए मैं पॉइंट्स के फॉर्म में पढ़ाता हूँ जो आपके पेपर में आएंगे ठीक है। और अब आते हैं मेघालय प्लेट्यू एंड शिलोंग प्लेट्यू ठीक है। अब मेघालय प्लेट्यू और शिलोंग प्लेट्यू ऑब्वियसली कहाँ पर होगा, भारत के नॉर्थ ईस्ट में होगा, ये तो आपको पता ही है कि मेघालय और शिलोंग नॉर्थ ईस्ट में है ठीक है। अब एक बात बताओ कि मेघालय प्लेट्यू और शिलोंग प्लेट्यू में क्या होते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं। क्या होते हैं? ब्लॉक माउंटेन्स, क्योंकि उधर नॉर्मल जो माउंटेन्स होते हैं वो इस शेप में होते हैं, बट मेघालय और शिलोंग में जो प्लेट्यूज होते हैं उसमें ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं, इस तरीके से माउंटेन्स होते हैं। क्या कह रहे हैं गगनदीप, बगलखंड भी रहता है सर, पता नहीं मेरे को समझ नहीं आया। ठीक है, इसमें ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं और इसकी हाइट होती है अप्रोक्सीमेटली 900 मीटर्स। कितनी होती है? 900 मीटर्स ठीक है। अब इस ब्लॉक माउंटेन्स में काफी सारे हिल्स पाए जाते हैं। कौन से हिल्स पाए जाते हैं यहाँ लिख देता हूँ ठीक है। इस ब्लॉक माउंटेन्स में जो हिल्स पाए जाते हैं, गैरो हिल्स के नाम है ये ठीक है, गैरो, खासी, गैरो खासी और जयंती हिल्स ठीक है। गैरो खासी और जयंती हिल्स यहाँ पर देखे जाते हैं ठीक है। मेघालय प्लेट्यू इज एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स ठीक है। मेघालय प्लेट्यू इज एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स ठीक है। अब ब्लॉक माउंटेन्स इसकी हाइट होती है 900 मीटर्स ठीक है। यहाँ पे तीन हिल्स पाए जाते हैं, गैरो, गैरो खासी और जयंतिया हिल्स ठीक है। ठीक है, अब अगर आप इसके एक्सटेंशन की बात करो मेघालय प्लेट्यू को आगे जाके, मेघालय प्लेट्यू जब आसाम में जाते हैं ठीक है, अब मैंने कहाँ बात करी, मेघालय की बात करी है, जब ये आसाम में एक्सटेंड होते हैं इसको मखीर और रंगमा के नाम से जाना जाता है, मखीर और रंगमा। और ये सारे क्वेश्चन हैं ठीक है। अब देखो मैं बताता हूँ दोबारा से, मखीर और रंगमा के नाम से जाना जाता है। देखो यहाँ क्या पढ़ा, मेघालय प्लेट्यू या शिलोंग प्लेट्यू इसमें ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स, माउंटेन्स की शेप कुछ ऐसी होती है। इसकी जो हाइट होती है 900 मीटर्स होती है ठीक है। मेघालय प्लेट्यू में तीन टाइप के हिल्स होते हैं, गैरो खासी और जयंती हिल्स, गैरो खासी और जयंती हिल्स, तीन हिल्स होते हैं। बट अभी मैंने कहाँ की बात करी, मेघालय और शिलोंग की बात करी, बट जब ये आसाम में एक्सटेंड होते हैं तो इसको दो अलग नाम से जाना जाता है, मखीर और रंगमा। क्लियर, इसमें किसी को डाउट पूछ लो। सर मखीर और रंगमा जो है हाँ। ये मतलब हिल्स ही है या सर ये मेघालय प्लेट्यू का जो अनदर नेम कहते हैं उसमें अनदर नेम कह सकते हो, इट कैन बी कॉल्ड एज अनदर नेम। ओके सर ठीक है, ओके ओके आगे चले भाई, किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ लो। इसमें से वन वर्ड्स पूछे जाएंगे, वन वर्ड्स पूछे जाएंगे, बस आपको ये याद करना है और मैप में लिख के पढ़ोगे। तो कृतिका यू हैव एनी डाउट, या प्लीज यूज माइक्रोफोन। आप लोग हेडफोन लगा के बैठते हैं एज इफ क्लियर हो गया सर, विनायत को तो क्लियर हो गया और लोग भी तो हैं। सर वो मैंने कमेंट किया था ना, मैं ये कह रहा था कि बाघेलखंड जो टॉपिक है हाँ वो रह गया सर, बाघेलखंड रह गया, करवा दूंगा। भाई बाकी लोग माइक्रोफोन ऑन करें तो अच्छा होगा। विशाल समझ में आ गया तुझे? हेलो सर। हाँ बोलो। हेलो। हाँ हाँ शेस्ता, आई कैन हियर यू। सर हमारी तो फर्स्ट क्लास है तो हम क्या करें, किस तरह से करें? अब यहीं से कंटिन्यू करो, जो बचे आई विल कवर इट अप, डोंट वरी। अच्छा ठीक है, डोंट वरी ठीक है। चलो विशाल आ गया ना समझ? अब एक यस सर आ गया, एक मिनट। अब बाघेलखंड प्लेट्यू ठीक है, अब इन्होंने बोला है, गगनदीप ने बोला है रह गया तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यार मेरी भी फर्स्ट क्लास है यार, सर इतना इन्फॉर्मेशन याद ही नहीं रहेगा, आप मैप से पढ़ाते तो याद रहता है। रुक तो जा भाई, मैं मैप यूज़ करूँगा अभी, रुक तो जा, पिछली क्लास में मैंने मैप यूज़ किया था, जस्ट वेट अ मिनट ठीक है। ऑब्वियसली एक्सएससी सीजीएल एग्जाम में क्यों नहीं आएगी कृतिका। ओके अब बात करते हैं बाघेलखंड प्लेट्यू की ठीक है। ये स्प्रेड अक्रॉस नॉर्थन पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, कहाँ है? छत्तीसगढ़ में ठीक है।
कहाँ है? छत्तीसगढ़ में ये है। ओके नाउ यहाँ पर दो नदियां ड्रेन होती हैं छत्तीसगढ़ में, बागेलकंड प्लेट्यू में दो नदियां ड्रेन होती है, सोन और महानदी। इससे हमें क्या पता चलता है कि छत्तीसगढ़ में दो नदियां ड्रेन होती हैं सोन और महानदी। ठीक है, अब एक बात ये देख लो कि छत्तीसगढ़ इज फॉरेस्ट एंड ट्राइबल एरियाज। ट्राइबल एरियाज मतलब आदिवासी इलाका और फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट होता है। अगर अब छत्तीसगढ़ की बात करो, यहाँ पर एक बेसिन है। बेसिन मतलब एक एरिया ऐसा है बेसिन के बॉल के शेप में, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं राइस बॉल ऑफ इंडिया। राइस बॉल ऑफ इंडिया क्योंकि ये जो छत्तीसगढ़ बेसिन है, क्योंकि ये बेसिन छत्तीसगढ़ में है, बेसिन का मतलब एक जगह है, ठीक है, ये बेसिन छत्तीसगढ़ में है, इसको छत्तीसगढ़ बेसिन कहते हैं और इसको राइस बॉल ऑफ इंडिया कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा राइस कल्टीवेशन होता है भारत में। सबसे ज्यादा राइस कल्टीवेशन हो रहा है और यहाँ पे महानदी रिवर ड्रेन करती है। कौन सी रिवर ड्रेन करती है? महानदी, ठीक है। और यहाँ के जो रॉक्स हैं वो है सेडिमेंट्री रॉक्स हैं और इस एरिया में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी होती है राइस की। ठीक है, देखो बागलकंड प्लेट्यू, यहाँ पे राइस होता है, राइस बॉल, ठीक है। बागलकंड प्लेट्यू छत्तीसगढ़ में है, दो नदियां बहती हैं यहाँ पे, सोन और महानदी, ठीक है। यहाँ पे फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट और ट्राइबल एरिया है, ट्राइबल एरिया है। यहाँ पे एक बेसिन है, ये पेपर में क्वेश्चन आता है, इस बेसिन का नाम क्या है? छत्तीसगढ़ बेसिन। और यहाँ पे जो नदियां बहती हैं सोन और महानदी बहती हैं और यहाँ पर हाई डाइवर्सिटी ऑफ राइस देखा जाता है। बट राइस सर, राइस बॉल ऑफ इंडिया इज नोन एज कृष्णा गोदावरी, नो इट इज छत्तीसगढ़ बेसिन। आई एम प्रिटी मच श्योर अबाउट इट, आई एम प्रिटी मच श्योर अबाउट इट। ठीक है, ओके नाउ एक मिनट एक मिनट, अब हम थोड़ा मैप में चलते हैं। ठीक है, मैप कौन से पेज में, लेट मी चेक, एक मिनट, कोई भी एक मैप निकालो। ये मैप क्लियरली विजिबल है आपको? नहीं, क्लियरली विजिबल नहीं है। इज इट क्लियरली विजिबल? ये मैप दिख रहा है? दिख रहा है मैप? यस सर, इसको और बड़ा करना यस सर, होगा। अरे यार ये बड़ा नहीं हो रहा, एक मिनट एक मिनट, आई विल इंक्रीज दिस थिंग, एक मिनट, इसको इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ओके देखो इस मैप में मोस्टली सारे प्लेट्यूज मार्क्ड होंगे। जो हम ब्लॉक माउंटेन्स की बात कर रहे थे वो कुछ इस एरिया में आएगा, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में आएगा। तो आप मैप करते वक्त उसको ऐसे करके मेघालय और शिलोंग में मार्क करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे 900 मीटर्स हाइट, ठीक है, इधर कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, सपोज आयरन एंड मैंगनीज पाए जाते हैं तो वो लिखेंगे। तो दिस इज द वे यू हाउ यू अप्रोच द थिंग्स। ठीक है, एक मिनट यार, यस एक मिनट, एक तो ये जूम क्लियर होने का, ठीक है, अभी और रिलेट करके बताता हूँ, रुको, और मैंने मैप डाला होगा इसमें डेफिनेटली, एक मिनट, हाँ आई विल अपलोड अ न्यू मैप एंड टेल यू इन मीन वाइल, किसी को क्वेश्चन है तो बताओ, किसी को क्वेश्चन है? सर वो रैथ ऑफ गॉड, रैप्ट ऑफ गॉड बाद में पढ़ेंगे, रैप्ट ऑफ गॉड अभी पढ़ाऊंगा ना यार, तेरा सिलेबस नहीं होगा कंप्लीट ना दोस्त। देखो यार मैं विशाल मैप भैया ने पूछा था ना, किस, हाँ किसने पूछा था? विशाल भैया को कहा था आपने, पूछा था विशाल, मैंने कहा नहीं। विशाल को पता है, मैं करवा दूंगा, रैप्ट ऑफ गॉड मैं पढ़ा दूंगा, कोई इशू नहीं। सर मीन वाइज क्वेश्चन ना, एक मिनट भाई एक मिनट, हाँ विशाल बोलो बोल, बोलो बड़े भैया बोलो। विशाल बड़ा है सर तुमसे? मैंने पढ़ लिया, यस अच्छा सर पढ़ लिया क्या पढ़ा तूने? सर वही वाला तो अप्रोच में बोल रहा था कि हमें वही वाला अप्रोच रखना चाहिए जो कौन सा वाला अप्रोच रखना चाहिए? उन्होंने किया था उस समय, इजराइल ने जो किया था। ठीक है, अब ये मैप दिख रहा है तुम्हें? मैप काफी छोटा हो गया, यस सर काफी छोटा हो गया ना,
वो सर हम जूम कर लेंगे अपनी तरफ से। तुम अपनी तरफ से जूम कर लो, मेरी तरफ से तो काफ़ी छोटा है। मैं तो मैंने प्लेट्यू दिखाने के चक्कर में यहाँ पे, एक मिनट ये देखो, छत्तीसगढ़ प्लेट्यू ये रहा, दिख रहा है ये एरिया। यस सर। ठीक है, अब तुम मैप में क्या करना, तुम घर पे जाके मैप लेना और इसको मार्क करना, इसको मैप करना, ठीक है, और यहाँ पे लिखना। तो देखो, और मेघालय और शिलोंग प्लेट्यू भी मैं दिखा देता हूँ, मैं जूम करके दिखा नहीं, ये रहा मेघालय और शिलोंग प्लेट्यू, दिख रहा है तुम्हें मैप में? यस सर। दिस इज मेघालय एंड शिलोंग प्लेट्यू, ठीक है। तो ऐसे करके मैं आपको प्रॉपरली दिखा नहीं पा रहा क्योंकि पूरा वो स्क्रीन में आ नहीं रहा है। एक बार मैं कैमरा बंद करके ट्राई करता हूँ, ठीक है, अब थोड़ा बेटर आएगा। ठीक है, अब देखो, डेक्कन प्लेट्यू जो हमने बात करी, मालवा प्लेट्यू ये रहा, ठीक है, और डेक्कन प्लेट्यू ये रहा। मैं सारे प्लेट्यू सबको एक बार मार्क करके दिखा देता हूँ, ठीक है, एक मिनट। देखो, मालवा प्लेट्यू ये रहा, ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू ये रहा, ठीक है, शिलोंग प्लेट्यू ये रहा, छोटा नागपुर प्लेट्यू ये है, ठीक है, छत्तीसगढ़ बेसिन ये है। इसी बेसिन को राइस बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है, राइस बॉल ऑफ इंडिया। आपको घर जाके कुछ नहीं करना, आपको एक ऐसा मैप दिखाना है, ये मैप आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, इसको मार्क करना है, और जो भी मैं स्पेसिफिकेशंस बता रहा हूँ वो यहाँ पे ऐसे ऐसे करके लिखना है, कि लिखना है बस। और आप जब रिवाइज करोगे उसी स्पेसिफिकेशन को मैप से करोगे, ठीक है। पॉलिटिकल पे करना है? पॉलिटिकल पे कर लो, मैं पॉलिटिकल पे करना ज़्यादा पसंद करता हूँ, वो आपकी आपकी मर्जी है, क्योंकि मुझे साइड बाय साइड स्टेट भी पता चल जाता है। देखो, मैं जब पढ़ाऊंगा एक चीज़ क्लियरली समझ जाना, जब मैं पढ़ाऊंगा आपका एसएससी, बैंकिंग, सीजीएल, सीडीएस और यूपीएससी का बेसिक लेवल का सिलेबस, प्रीलिम्स का सिलेबस कवर करवाते चलूंगा, तो मैं उस लेवल का पढ़ाऊंगा, ठीक है। वो अच्छी बात है कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल सकते हो अगर आप पढ़ना चाहो तो, ठीक है। यूपीएससी में इसको थोड़ा एलैबोरेट कर देते हैं, बाकी बेसिक्स प्रीलिम्स में कवर हो जाएगा, ठीक है। अब डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू क्या है, ये भारत का इकलौता ट्रायंगुलर प्लेट्यू है, कुछ इस शेप में होता है ये, ठीक है। अब क्या होता है, पेपर में क्वेश्चन आएगा कि भाई भारत का इकलौता ट्रायंगुलर प्लेट्यू कौन सा है, भारत का इकलौता ट्रायंगुलर प्लेट्यू इज डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। और यहाँ पे कहाँ पर है, तापी रिवर के साउथ में है, मतलब ऑब्वियसली साउथ में है। तो अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ तो अगर ये साउथ है तो पीछे की तरफ है, तो तापी ऊपर से फ्लो करता होगा, तो इसके साउथ में, समझ में आ गया, तो डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। और इसका लोकेशन क्या है, महाराष्ट्र और नॉर्थन कर्नाटका में ये है। तो अब मैप में जहाँ पे भी अब महाराष्ट्र भारत का मैप कुछ ऐसे है, तो नीचे की तरफ है, तापी के नीचे ये प्लेट्यू आता है, इसलिए इसका शेप ऐसे है और महाराष्ट्र और नॉर्थन कर्नाटका को कवर करता है, ठीक है। यहाँ पे तीन नदियाँ जो है, गोदावरी, कृष्णा, भीमा, तीन नदियाँ फ्लो होती है। यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉटन कल्टीवेशन होता है, कॉटन कल्टीवेशन, ठीक है, कॉटन कल्टीवेशन होता है। कॉटन कल्टीवेशन के लिए कौन सा सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉटन कल्टीवेशन के लिए कौन सा सॉइल इंपॉर्टेंट है? ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल इंपॉर्टेंट है। और कॉटन कल्टीवेशन के लिए ब्लैक सॉइल क्यों इंपॉर्टेंट है? ब्लैक सॉइल में ऐसा क्या होता है विशाल? कौन बताएगा ब्लैक सॉइल में ऐसा क्या होता है? सर याद नहीं आ रहा मेरे को अभी। मुझे भी याद नहीं आ रहा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बता भाई। पोटैश होता है, फास्फोरस होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है, ठीक है। पोटैश होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है, ठीक है। अब देखो, अब ये बहुत आपके लिए सिंपल हो गया। डेक्कन प्लेट्यू ट्राइंगुलर प्लेट्यू है, सदर्न पार्ट ऑफ तापी रिवर, सदर्न पार्ट ऑफ तापी रिवर, ठीक है। महाराष्ट्र एंड नॉर्थन कर्नाटका में ये है, महाराष्ट्र एंड नॉर्थन कर्नाटका, ठीक है। अब इधर गोदावरी, गोदावरी कृष्णा, गोदावरी कृष्णा एंड भीमा,
गोदावरी, कृष्णा एंड भीमा तीन नदियां यहाँ से बहती हैं। ये फेमस है कॉटन कल्टीवेशन के लिए। किस चीज़ के लिए? कॉटन कल्टीवेशन के लिए। यहाँ पे दो टाइप के रॉक हैं, ब्लैक सॉइल और बेसाल्टिक रॉक। बेसाल्टिक रॉक ठीक है, जो बेसाल्टिक रॉक ठीक है, जो बेसाल्टिक लावा से रॉक फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड एज बेसाल्टिक रॉक। हम इस लावा के बारे में बाद में पढ़ेंगे, अभी हम नहीं पढ़ेंगे ठीक है, अभी हम उसको बाद में पढ़ेंगे कि बेसाल्टिक लावा से, जब हम रॉक्स चैप्टर करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे बेसाल्टिक लावा से बेसाल्टिक रॉक कैसे फॉर्म होता है ठीक है। तो आज हमने अभी तक क्या पढ़ा एक बार रिवाइज करते हैं। कोई एक बंदा कोई भी माइक्रोफोन ऑन करे, कोई भी दीपक स्विच ऑन योर माइक्रोफोन। यस सर। यहां से शुरू किया था हमने ठीक है, यहाँ आज यहाँ से, सर हाँ यहाँ से शुरू किया था। एक एक यहाँ चीज से नहीं। बता, हाँ यहाँ से किया था उल्टा, एक टॉपिक मैंने यस बाद में, सर। हाँ बताओ। सर बघेलखंड सर, ये मतलब नॉर्दर्न पार्ट में के उसमें होता है सर, मैप में बघेलखंड छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। और सर यहाँ पे दो नदियाँ ड्रेन होती है, ठीक सोन है, और जो जो महानदी। जो जो मैं आपको आप बोल रहे हो मैं लिख लेता हूँ ठीक है। छत्तीसगढ़ में पाया जाता है ठीक है बागेलखंड ठीक है, यस यहाँ पे सर। दो नदियाँ होती यस सर। हैं, और कौन कौन सी दो नदियाँ यस होती सर। हैं? सर सोन और महानदी। सोन एंड महानदी दो नदियाँ होती हैं ठीक है। और सर यहाँ पे मतलब राइस की कल्टीवेशन होती है सर। ठीक है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा राइस का वेरिएशन यहाँ पे छत्तीसगढ़ बेसिन में पाया जाता है, तो इसको राइस बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता इसलिए है ठीक है। तो राइस यस सर। कल्टीवेशन ठीक है, राइस लिख दो ऐसे करके ठीक है। और यहाँ पे रॉक्स किस टाइप के होते हैं? सर यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं। यहाँ पे सेडिमेंटरी रॉक्स होते हैं ठीक है, परफेक्ट। आगे चले यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं दंत नायका प्लेटू, यहाँ पे क्या होता है? सर दंत नायिका प्लेटियो सर, ये मतलब इसको बस्तर प्लेटियो भी कहते हैं। वेरी गुड, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो बस्तर प्लेटू, बस्तर यस सर। ठीक मत है मतलब सर, हाँ सर, जो नक्सलवाद होते हैं यहाँ पे, मतलब सर जो IAS वगैरह होते हैं इनको ठीक एज अ है। पनिशमेंट भेजा जाता है। वो तो मैंने आपको याद करवाने के लिए बताया है ठीक है, आगे बताओ। ओके ओके ओके। सर यहाँ पे मतलब जो यहाँ पे आयरन और मैग्नीज सर मिनरल्स पाए जाते हैं। वेरी गुड, यहाँ पे आयरन और मैग्नीज मिनरल पाए जाते हैं, ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में होता है ठीक है। यस सर। छत्तीसगढ़ उड़ीसा में पाया जाता। ठीक है आगे बताओ। और सर क्या कहते हैं, इतना ही था। फिर हाँ अगला सर इसके लिए इतना ही था। हाँ मेघालय सर से, मेघालय प्लेटियो सर ये जो यहाँ पे सर जो माउंटेन्स होते हैं वो ब्लॉक फॉर्म में होते हैं। ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं, यस सर। जिसकी हाइट 900 मीटर होती है सर। 900 मीटर होते हैं, वेरी गुड। और सर यहाँ पे तीन हिल्स पाए जाते हैं, गारो खासी एंड जयंती। गायरो खासी एंड जयंती तीन हिल पाए जाते हैं, वेरी गुड। यस सर। और जब ये असम में एक्सटेंड होता है सर, तो इसको मिखिर और क्या नाम था दूसरा, राखो मानगो कुछ कहते हैं। हाँ वही। रंगमा ठीक है। तो बेसिकली यस हमने यहाँ पढ़ा मेघालय प्लेटू ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं, हाइट इसकी 900 मीटर्स होती है ठीक है, इसमें तीन हिल्स हैं गैरो खासी और जयंतिया, और आसाम में एक्सटेंड होते हैं, तो यहाँ पे मिखीर और रंगमा। इतना क्लियर हो गया? यस सर। किसी यस को कोई सर। डाउट है तो पूछ लो भाई, कि ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं, उसकी शेप क्या होती है, किसी को कोई डाउट है? नो सर, एक बार बताओ, नो विष्णु सर। विष्णु तुषांत और सोनाली, रिया, रिया का तो चलो माइक्रोफोन खराब है, राघव क्षितिज इंद्रनील और कृतिका, व्हाई यू आर यूजिंग माय हेडफोन? सुनील कुमार, व्हाई यू आर यूजिंग हेडफोन? अमृता ऑल्सो, मुझे समझ नहीं आता कि क्या ऐसा क्या रीज़न है कि आप हेडफोन से पढ़ना चाहते हैं, मुझे ये बता दो, बता दो। ओके, तब तक जब तक वो रीज़न बताते हैं, विशाल अनम्यूट करो, यस सर। बताओ डेक्कन प्लेट्यू में क्या है? सर डेक्कन प्लेटू साउथ ऑफ तापी रिवर के मतलब पाई जाती है। ये इकलौता ट्रायंगुलर प्लेटू है इंडिया का। वेरी गुड, इसे हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि मतलब ये मेनली फाउंड होता है महाराष्ट्र और नॉर्दर्न कर्नाटक में। वेरी गुड, इसमें
तीन नदियां ड्रेन होती हैं, गोदावरी, कृष्णा एंड भीमा। ये कॉटन कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि यहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलता है और यहाँ पे बसाल्ट रॉक पाया जाता है कि जो बसाल्ट है तो लावा से बनता है, किससे बनता है, बसाल्ट बेसाल्टिक लावा से लैवा, बनता है। ठीक है। टैपी रिवर, अच्छा, तापी रिवर के तापी रिवर सत के साउथ में होता है, महाराष्ट्र कर्नाटका में होता है, तीन नदियां बहती है, गोदावरी, कृष्णा और भीमा, ठीक है। कॉटन कल्टीवेशन के लिए फेमस है, यहाँ पे बेसाल्टिक रॉक और ब्लैक सॉइल होता है, ठीक है। इन ये लोग रीजन लिख रहे हैं अपने माइक्रो हेडफोन से यूज करने का, हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, ठीक है कृतिका, जस्टिफाइड। फिर आते हैं भाई, मैंने छोटे छोटे प्लेट्यू भी लिखे हैं, ठीक है। कर्नाटका प्लेट्यू, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु में पाया जाता है। यहाँ पे ग्रेनाइट जो हम बात, ठीक है, ओके फाइन, यहाँ पे ग्रेनाइट और जिनेसिस पाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि ग्रेनाइट की फ्लोरिंग होती है, किसने देखा है, कि वैशाली देखा है ग्रेनाइट फ्लोरिंग, ग्रेनाइट फ्लोरिंग सुना है सर, जो पेंसिल में यूज होता है भाई। ना? ना, ग्रेनाइट वो ग्रेफाइट होता है भाई, ओके सॉरी, ये ग्रेनाइट वो होता है जिसके आप किचन वगैरह में फ्लोरिंग करते सब हैं, देखिए। बड़ा टाइल की तरफ होता है, किचन में यूज करते हैं, ठीक है। बड़ी सी टाइल होती है जिसमें आप फ्लोरिंग करते हैं, ठीक है। तो वो उस टाइप के पत्थर यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पे तीन नदियाँ ड्रेन करती है, कावेरी, पेन्नार एंड तुंगभद्रा। और तुंगभद्रा इसलिए फेमस है, एक और चीज़ बता देता हूँ, जरूरी नहीं है कि ग्रीन कलर हो, और भी कलर के होते हैं। तुंगभद्रा इसलिए भी फेमस होते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स होते हैं, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में तुंगभद्रा में सबसे ज़्यादा, तुंगभद्रा से सबसे ज़्यादा, तुंगभद्रा के इर्द गिर्द के एरिया में, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स होते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स होते हैं। जैसे नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया में हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स होते हैं, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में तुंगभद्रा में होते हैं, ठीक है। तो कर्नाटका प्लेट्यू, ठीक है, कर्नाटका प्लेट्यू स्प्रेड अक्रॉस कर्नाटका एंड एडजॉइनिंग पार्ट्स ऑफ केरला एंड तमिलनाडु, कर्नाटका में होता है, ठीक है, कर्नाटका एडजॉइनिंग पार्ट्स ऑफ केरला एंड तमिलनाडु। यहाँ पे ग्रेनाइट एंड जिनेसिस के दो रॉक्स पाए जाते हैं सर, सेडिमेंट्री रॉक्स बहुत प्लेट्यू में, बहुत छत्तीसगढ़ प्लेट्यू में भी पाए जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री या सेडिमेंट्री रॉक्स का मतलब ये होता है कि जो बड़े पत्थर टूट के छोटे 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 बन जाते हैं ना, वो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं। सेडिमेंट्स, सेडिमेंट्स मतलब अगर कोई भी बड़ा पत्थर होगा, आप उसको ग्रैन्यूल फॉर्म में या छोटे ग्रैन्यूल फॉर्म में उसको क्रश कर दोगे, दैट बिकम सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। वो छत्तीसगढ़ प्लेट्यू में भी पाए जाते हैं, ठीक है, ठीक है। और अब आते हैं आंध्रा प्लेट्यू में, देखो ये सारे छोटे छोटे प्लेट्यूज हैं, ये सारे छोटे छोटे प्लेट्यूज हैं, हम इनको भी कवर करके चलते हैं, ठीक है। तो कर्नाटका प्लेट्यू, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में। अब आते हैं आंध्रा प्रदेश प्लेट्यू, तेलंगाना और रॉयल सीमा में ये प्लेट्यू होता है, मतलब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना रीजन, रॉयल सीमा इज तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश रीजन में। यहाँ पे भी ग्रेनाइट पाए जाते हैं और जिनेसिस पाए जाते हैं, और यहाँ पे तीन नदियां होती हैं, गोदावरी, कृष्णा और पेन्नार, ठीक है। अब आपको ये क्लियरली पता होना चाहिए कि कौन कौन से प्लेट्यू में कौन कौन सी नदियां बहती हैं, तो इसलिए मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया कि गोदावरी, कृष्णा और पेन्नार आंध्र प्रदेश प्लेट्यू को ड्रेन करते हैं, ठीक है। और ये रॉयल सीमा या रॉयल सीमा है? रायल सीमा, रायल सीमा, ठीक है, रायल सीमा, ठीक है। एक मिनट, अब कर्नाटका और आंध्र प्रदेश प्लेट्यू को कौन एक्सप्लेन करेगा, क्या क्या समझ में आया? गगनदीप बता भाई, क्या समझ में है, क्योंकि ये लास्ट दो प्लेट्यूज हैं सर, कर्नाटका प्लेट्यू जो है वो कर्नाटका में स्प्रेड हुआ पड़ा है, और साथ में केरला और तमिलनाडु को लगता है, उसमें ग्रेनाइट मिलता है और जेनेसिस रॉक्स उसमें मिलते हैं। ग्रेनाइट वो होता है जो किचन में हम टाइल्स लगाने के लिए यूज़ करते हैं, किचन, वो बाथरूम, जहां भी मतलब आप यूज करना हाँ, चाहो। वही टाइल्स वगैरह वाली जो चीज़ होती है। और वहाँ पे कावेरी, पेन्नर और तुंगाभद्रा, ये तीनों बहते हैं वहाँ पे। और मैंने और तुंगाभद्रा तुमको, इसलिए फेमस है क्योंकि वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट बहुत सारे यूज होते हैं, जैसे हिमाचल हाँ में होता है वैसे ये साउथ का है। साउथ का, ठीक है। आंध्र प्रदेश प्लेट्यू बताओ। ये सर तेलंगाना और रायल सीमा में है, और सेम यहाँ पे भी ग्रेनाइट और जेनेसिस रॉक्स मिलते हैं, और यहाँ पे गोदावरी, कृष्णा और पेन्नर रिवर है। गोदावरी, कृष्णा और पेना। अब आपको इसमें से, हाँ, जेनेसिस, वेरी गुड क्वेश्चन। जेनेसिस मीन्स आपने देखा होगा जैसे वॉल्स होती हैं, वॉल्स होती हैं, ठीक है। वॉल्स में छोटे छोटे पीसेस ऑफ रॉक्स लगा रखे होते हैं, छोटे छोटे कलरफुल पीसेस ऑफ रॉक्स लगा रखे होते हैं, प्लेन,
ठीक है, येलो ग्रीन डेकोरेशन पर्पस के, इसलिए उस टाइप के रॉक्स को जेनेसिस कहते हैं। ठीक फिर वो है, जो चिप्स चिप्स बोल देते चिप्स जो हैं होते हैं, चिप्स चिप्स जो बोलते हैं, ठीक है, जीनिस एंड जेनेसिस, जेनेस जीनिस आई डोंट नो बट जेनेसिस इज द करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है वैशाली, ठीक है, गॉट इट गॉट इट। किसी को डाउट? अभी तक किसी को डाउट है? किसी को भी कोई नो डाउट है आज की? सर। हाँ, अब एक बात समझना, नो इशू, एक बात समझना नो सब। सर, हाँ विशाल क्या पूछ रहा है? तो मैंने बोला नो डाउट, नो डाउट। अच्छा, सबसे पहले हमने पढ़ा था हिमालयस, कि हिमालयस कैसे फॉर्म हुआ, फिर हमने पढ़ा प्लेन्स, ठीक है, फिर हमने पढ़ा प्लेट्यूज, ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसमें और चीजें ऐड करेंगे, आइलैंड्स और कोस्टल प्लेन्स वगैरह ऐड करेंगे, इससे बीच में हम रेंजेस और पढ़ेंगे, प्लेट्यूज के बाद हम पढ़ेंगे रेंजेस, उसके बाद आइलैंड्स और कोस्टल प्लेन्स, इस तरीके से आपको पता चल जाएगा। अगर जब मैंने ये जो चीजें पढ़ाई है आप इसको मैप में ड्रॉ कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा पूरे इंडिया में क्या क्या होता है, उसके बाद ज्योग्राफी बिकम्स वेरी इजी। ठीक है, उसके बाद ज्योग्राफी बिकम्स वेरी इजी। कृतिका, आई नो व्हाट यू आर राइटिंग, यू हैवन कंप्लीटेड दैट, बट दैट विल बी डन इन लेटर पार्ट। ओके, नाउ अब हम पढ़ते हैं रेंजेस पढ़ते हैं। ठीक है यार, ये पिक्चर दिख रहा है, दिख रहा है तुम लोगों को ये यस सर, अच्छे से दिख रहा है? इसको मैं थोड़ा सा वो करता हूँ, सेटअप करता हूँ, दिख रहा है सर, अच्छे से दिख रहा ठीक है। इधर भारत के अलग अलग रेंजेस मेंशनड है, ठीक है, अब हमें इस रेंजेस में से सारे रेंजेस नहीं पढ़ने, हमें इस रेंजेस में से देखो जैसे अरावली है, अरावली यहाँ पर है, रुको मैं मार्क कर दूँ, अरावली है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे ऐसे जो इंपॉर्टेंट रेंजेस है, विंध्या रेंज हो गया, ठीक है, ये रेंजेस पढ़ने हैं तो इससे हमें बहुत फायदा होगा, बता दूंगा क्या फायदा होगा। ठीक है, पहले हम रेंजेस पे आते हैं, ठीक है, रेंजेस पे। ओके, देखो भारत में कितने टाइप के रेंजेस होते हैं, भारत में कितने टाइप के रेंजेस होते हैं, द फर्स्ट टाइप इज अरावली रेंज, ठीक है, विंध्या रेंज, सतपुरा रेंज, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ईस्टर्न घाट्स क्या होता है, वेस्टर्न घाट्स क्या होते हैं ये हम देखेंगे, अरावली विंध्या और सतपुरा रेंज की स्पेसिफिकेशंस क्या होती है ये देखेंगे। ठीक है, लेट अस गो थ्रू इट। ठीक है, सर रेंज क्या होते हैं? रेंजेस बताता हूँ, दे आर माउंटेन रेंजेस, जैसे माउंटेन रेंजेस बोलते हैं, दे आर एक्सटेंडेड, कि मतलब यहाँ से यहाँ तक एक एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन ऑफ टोपोग्राफी जो कहते हैं, लाइक माउंटेन, देखो सीमा सीमा, ठीक है हिंदी में बोलो तो, देखो ये माउंटेन है, ये एक्सटेंड होता है एक जगह से दूसरे जगह तक, प्लेन होता है एक जगह से दूसरी जगह तक एक्सटेंड होता है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, गॉट इट? किसने पूछा था? यस सर, ठीक है, अब देखते हैं रेंजेस है होते क्या है। देखो अरावली रेंज की बात करते हैं, कि इसका अगर हम मैप में मैं लोकेशन देखूं तो दिल्ली से ये गुजरात की तरफ एक्सटेंड करता है। अब क्या भाई भाग के ये दिल्ली से गुजरात की तरफ एक्सटेंड करता है, ये मेरा दिखाने का काम है। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूं, एक मिनट रुक जा यार, ये बड़ा हो जा, देखो दिल्ली कुछ यहां पर आता है, दिल्ली कुछ यहां पर आता है, दिख क्या है इस पोजीशन में आता है, यहां से गुजरात की तरफ ये इस तरीके से एक्सटेंड कर रहा है। अगर ये नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्टर्न दिल्ली से अगर मैं मैप ड्रॉ करूं तो ये कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ आउटवेस्ट साउथ वेस्ट ईस्ट, ठीक है, अगर इसको देखो तो ये नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, और ये नीचे की तरफ आ रहा है कुछ इस तरीके से है, तो ये किधर जा रहा है, साउथ वेस्ट की तरफ जा रहा है, तो मैं ये क्या कह सकता हूँ, नॉर्थ ईस्ट एंड दिल्ली से साउथ वेस्ट गुजरात की तरफ ये रेंज एक्सटेंड करता है। समझ में आ गया? किसी को डाउट? कौन सी वाली बताई सर ये अभी आपने? अरावली, ओके सर, ठीक है, समझ में आ गया? यस सर, ठीक है, एक मिनट रुको, आगे चलते हैं। एक तो मैं इस चीज से परेशान हूँ, जूम बार बार जूम करना, एक मिनट भाई रुक जा। ओके, लोकेशन क्लियर हुआ? इट इज एग्जाम्पल ऑफ ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स,
ठीक है, फोल्ड माउंटेन्स। अब मैंने फोल्ड माउंटेन्स बताया था क्या होता है, किसको पता है कि फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं? तो मैंने अरावली रेंज तो बता दिया कि भाई इस डायरेक्शन में होता है, दिल्ली से गुजरात की तरफ होता है, और ये फोल्ड माउंटेन्स, ये बताओ क्या होता है? व्हाट इज फोल्ड माउंटेन्स सर? जो टेक्टोनिक प्लेट्स जब साथ में आ जाती है तो जो उनसे फॉर्म होते हैं। कैसे फॉर्म होते हैं ये बताओ, फॉर्म तो होते हैं कैसे? सर वो एक दूसरे से टकराती है ना, तो वो क्रश होते जाते हैं, क्रश होके वो इकट्ठे होते चले जाते हैं, होते चले जाते हैं, होते 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 पहाड़ी। क्या क्रश होते हैं भैया? सर सेडिमेंटरी रॉक्स ना। ये कौन बताएगा, मैं एंटीसिपेट थोड़ी करूंगा। ये रॉक्स हैं, ये सेडिमेंटरी रॉक्स हैं, ठीक है। इसको जब टेक्टोनिक प्लेट्स, मैंने स्टार्टिंग में बताया था टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के पास आते हैं तो ये फोल्ड माउंट, ये जो रॉक्स हैं ये धीरे धीरे क्रश होंगे, और क्रश होने से जो माउंटेन्स बनेगा उसको कहते हैं फोल्ड माउंटेन्स। क्लियर? ठीक है। वेन टू टेक्टोनिक प्लेट्स कंप्रेसेस द सेडिमेंटरी रॉक्स, द सेडिमेंटरी रॉक्स क्रशेस एंड फॉर्म्स द फोल्ड माउंटेन्स। क्लियर? क्लियर? यस सर। नाउ गुरु शिखर, गुरु शिखर एक ऐसा वो है, गुरु शिखर एक ऐसा फोल्ड माउंटेन, इस टेक्टोनिक प्लेट का हाईएस्ट पीक है, इस टेक्टोनिक प्लेट का हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर। मतलब क्या बोलते हैं, मैं बताता हूँ, अरावली रेंज का हाईएस्ट पीक है। अगर यार मेरे ना जुनैद जब माइक्रोफोन ऑन कर रहा है मेरे को आवाज़ डिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, थैंक यू जुनैद। ठीक है, अगर ये मैं फोल्ड माउंटेन्स की बात करूँ जो इसका हाईएस्ट पीक है वो है गुरु शिखर, अरावली रेंज का हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंचा पीक है गुरु शिखर। ठीक है, और ये कहाँ पे सिचुएटेड है? और आपके पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, अरावली रेंज कहाँ से कहाँ तक जाता है? इट एक्सटेंड्स फ्रॉम दिल्ली टू गुजरात। ठीक है, ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स ऑफ इंडिया है, इसका सबसे बड़ा पीक है गुरु शिखर, इसका सबसे बड़ा पीक है गुरु शिखर, और ये माउंट आबू में सिचुएटेड है। कहाँ पर सिचुएटेड है? माउंट आबू में। ठीक है, गुरु शिखर कहाँ पे? माउंट आबू में सिचुएटेड है। अब यहाँ पे बहुत टाइप के रॉक्स होते हैं, क्वार्ट्जाइट, सैंचिट, ग्रेनाइट और मार्बल। ये सारे रॉक्स जो होते हैं, ये मार्बल तो आपको पता है फ्लोरिंग, और ग्रेनाइट और मार्बल की फ्लोरिंग होती है, बाकी सारे छोटे छोटे रॉक्स होते हैं जो डेकोरेशन पर्पस के लिए यूज किया जाता है। और यहाँ पर अरावली रेंज में जो मिनरल्स होते हैं वो है कॉपर, जिंक, लेड एंड माइका। कौन से मिनरल होते हैं? कॉपर, जिंक, लेड एंड माइका। ठीक है, तो अरावली रेंज में क्या है, गुजरात से दिल्ली की तरफ एक्सटेंड करता है। ठीक है, गुजरात से दिल्ली की तरफ एक्सटेंड करता है, और ये फोल्ड माउंटेन्स का एग्जाम्पल है, फोल्ड माउंटेन्स, और इस अरावली रेंज का हाईएस्ट पीक इस गुरु शिखर। सुनील माइक्रोफोन बंद कर दे भाई यार। हाईएस्ट पीक इस गुरु शिखर, और गुरु शिखर लाइज इन माउंट आबू। ठीक है, यहाँ पे ये मिनरल्स याद करने का कोई ट्रिक है? हाँ, बहुत अच्छा ट्रिक है, अभी बताता हूँ। ठीक है, क्वार्ट्जाइट, सैंचेस और ग्रेनाइट है, और कॉपर, जिंक, लेड और माइका है। देखो मिनरल्स याद करने का ट्रिक है, देखो जैसे मैंने प्रिपेयर करा था तो मेरा कंसेप्ट बहुत सिंपल था कि मैंने क्या करा था, मैप में मार्क कर रखे थे कि पॉलिटिकल का मैप लिया था और इसमें मार्क कर रखे थे कि यहाँ पर ये मिनरल्स है। रात को सोने से पहले आप डेली वो 15 मिनट उसको उठा के देखोगे ना तो 5 दिन में याद हो जाएगा, और फिर उसको रिवाइज करते रहो, सारे मैप में मार्क कर लो और फिर डेली 15 मिनट देखो, जितना ड्यूरेशन देखोगे उतना अच्छा होगा। ठीक है, अगला रेंज देखते हैं। ये रेंज समझ में आ गया? ये रेंज, यस सर। दीपक बताओ इस रेंज में मैंने क्या बताया, अरावली रेंज में। दीपक सर आपने ये बताया है कि अरावली रेंज जो है वो दिल्ली टू गुजरात तक एक्सटेंड होता है। ये सर ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स का एग्जांपल है, और इसमें जो हाईएस्ट पीक है वो सर गुरु शिखर है, और ये सर माउंट आबू में सिचुएटेड है। यहाँ पे सर कॉपर, जिंक, लेड, मिक्रेट, ये जो है सर मिनरल्स पाए जाते हैं, मीका सॉरी माइका, और उसके बाद हाँ माइका माइका, और इसके अंदर सर ये ग्रेनाइट और मार्बल, सिचेट और क्वार्टजाइट जो है सर, ये मतलब मार्बल और ग्रेनाइट तो फ्लोरिंग वगैरह के लिए यूज होता है। समझ में आ गया। अब आते हैं विंध्या रेंज। yes, विंध्या रेंज में आते हैं। ठीक है, विंध्या रेंज कहाँ पर है? सबसे पहले तो भाई विंध्या रेंज कहाँ पर है, देखो गुजरात से बिहार की तरफ,
ठीक है, गुजरात वैसे बिहार की तरफ, चलो मैप देखते हैं, मैप में कहीं विंध्या रेंज है या मैं आपको बेवकूफ़ बना रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैप में चलते हैं अरे ऐसा। हिमालय न्यू फोल्ड माउंटेन्स में आता है ना? हाँ, उसका फॉर्मेशन बहुत लेट हुआ था। यहाँ दिख रहा है विंध्या रेंज, ये देखो मैं मार्क कर देता हूँ, मुझे याद हो गया इसलिए मैं दिखा देता हूँ, ये रहा, दिखा दूँ, ये रहा मैं विंध्या रेंज। ठीक है, तो ऑब्वियसली करीब गुजरात के पास से, गुजरात के पास से कहाँ जा रहा है, बिहार की तरफ जा रहा है, गुजरात के पास से ये कहाँ जा रहा है, बिहार की तरफ जा रहा है। क्लियर क्लियर, गुजरात से ये कहाँ जा रहा है, बिहार की तरफ। भैया हाँ या ना कुछ तो बताओ यार, क्लियर सर। मैं बोर हो जाता हूँ तुम्हें कभी कभी पढ़ा के, क्योंकि तुम रिस्पॉन्ड ही नहीं देते। ठीक है, अब विंध्या रेंज किस तरीके से क्रिएट क्रिएट हुए, फॉल्टिंग के वजह से। फॉल्टिंग क्या होता है, फोल्डिंग और फॉल्टिंग में फर्क जो बता देगा मैं मान जाऊंगा कि पढ़ते हैं। श्रेष्ठता बताओ, फोल्डिंग और फॉल्टिंग में फर्क क्या होता है बताओ, बताओ कौन बताएगा। मुझे नहीं पता। वेरी गुड, कोई बात नहीं, विशाल बताएगा, विशाल बता दे फोल्डिंग और फॉल्टिंग में फर्क क्या होता है, हेलो बताओ। मैं बताऊं सर? सर कभी कभी पहले तुम लड़ बोलो लो, कोई कौन सुनिए, बताएगा, मुझे दोनों बताओ जगह भाई सुनो। बताओ। चलो बोलो, तुम बोलो सुनिए। अबे यार अब तो कोई तो बोल दो, हद हो गई, टॉस कर लो तुम ठीक है आपस सर। में। सर कभी कभी जो प्लेट्स होती हैं टेक्टोनिक प्लेट्स, वह एक दूसरे से इतनी जोर से टकरा जाती हैं कि बीच में क्रैक्स आ जाते हैं। तो सर वो जो क्रैक्स होते हैं उसे फॉल्टिंग कहते हैं। वेरी गुड, क्रैक्स को जो कहते हैं फॉल्टिंग कहते हैं, जिसके अंदर से वॉल्केनोज भी बाहर आते हैं। ठीक है, अगर इनका कहना है कि प्लेट, कभी कभी एक वर्ड इन्होंने गलत बोला, मैं अभी सही नहीं करूंगा, पहले जुनैद को बोलने दो, जुनैद तू भी बोले भाई, यस सर। बता भाई। सर जो करेक्शन है बस वही बता देता हूँ, मेरे हिसाब से प्लेट टकराने की जगह दूसरे से दूर जाएंगी। वेरी गुड, सही करेक्शन है। अब 1 मिनट जुनैद, एक यस सर, होता है कि टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के करीब आ रही है, एक दूसरे यस के सर, करीब आ रही है, तो इससे, तो आपने बिल्कुल सही बोला दोनों ने, बट गगन ने एक वर्ड गलत यूज करा, इससे क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स क्रश हो जाएंगे, जब करीब आएंगी तो इसको दबाएंगे, कौन सा फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स लगेगा जब करीब सर आएंगे कोई चीज, फ्रिक्शनल फोर्स, कौन सा फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, नो नो, डाइवर्जेंट, दूर जाएंगे तो डाइवर्जेंट, अबे पास आएंगे पास आएंगे कन्वर्जेंट। तो कन्वर्जन फोर्स या कंप्रेशनल फोर्स, कंप्रेस कर रही है कंप्रेशनल ना, कन्वर्जन फोर्स या कंप्रेशनल फोर्स। ठीक है, अगर यही चीज दूर जा रही है, यही चीज टेक्टोनिक प्लेट्स दूर जा रही है एक दूसरे से, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया एक दूसरे से दूर जा रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्रैक्स डेवलप होंगे, यहाँ पे क्या होगा, क्रैक्स डेवलप होंगे जिसमें से वॉल्केनोस बाहर आएंगी, जिसमें से वॉल्केनोस बाहर आएंगी, और उसको क्या कहते हैं, फॉल्टिंग कहते हैं, डाइवर्जेंट। मैं यार मेरे पास दो चीज है, ये मैं पास लेकर आ रहा हूं, मैं इसको पास लेकर आ रहा हूं, दैट इज कन्वर्जेंस, दैट इज कन्वर्जेंस, कंप्रेशनल, जब यही चीज दूर जा रही है तो उसको कॉल्ड एज डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस से हर वक्त फॉल्टिंग होगी और कन्वर्जेंस से हर वक्त फोल्डिंग होगी, समझ में आए या नहीं आए। आगे सर। बाकी यस लोगों को, बाकी लोगों को, विष्णुचरण यस ठीक सर। है, आ गया दीपक, आ गया। ठीक है, अब विंध्या रेंज किस तरीके से फॉर्म हुआ है, विंध्या रेंज एग्जाम्पल है फॉल्टिंग का। ठीक है, अब यहाँ पर रॉक्स कौन कौन से होते हैं, सैंडस्टोन लाइमस्टोन, ठीक है, सैंडस्टोन और लाइमस्टोन होते हैं। ठीक है, अब विंध्या रेंज को अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से जाना जाता है, एमपी में इसको कैमूर हिल्स के नाम से जाता है, सॉरी एमपी में बहिनीर के नाम से जाना जाता है, और बिहार में कैमूर हिल के नाम से जाना जाता है, एमपी में बहिनीर के नाम से जाना जाता है, बहिनीर, विंध्या रेंज को, ये क्वेश्चन है बेटा, विंध्या रेंज इन एमपी इज कॉल्ड एज बहिनीर, एंड विंध्या रेंज इन बिहार इट इज कॉल्ड एज कैमूर, विंध्या रेंज इन बिहार इट इज कॉल्ड एज कैमूर। ठीक है, बहिनीर के नाम से जाना जाता है और कैमूर के नाम से जाना जाता है, समझ में आ गया, समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट, नो सर। दो रेंजेस पढ़ा दिए। ठीक है, इस रेंजेस आइलैंड और कोस्टल प्लेन के बाद आपका जो ज्योग्राफी का सिलेबस है ना जल्दी खत्म हो जाएगा, सो प्लीज स्टार्ट डूइंग मैप वर्क। ठीक है, मैप वर्क करो, क्योंकि मैं फिर ये बोलूंगा ना, आई विल पिक एंड चूज कि मैंने आपको ये पढ़ाया था, वहां ये पढ़ाया था। ठीक है,
और आप मुझे मैप भी भेज सकते हैं, आप मुझे मैप भेज सकते हैं, आप मैप पर करके ना मुझे भेज सकते हैं, जो मैं बता दूंगा कि आपका मैप कैसा है, क्या है, हर जो भी चैप्टर पढ़ा है उसका मैप पर करके आप मुझे भेज सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है, ठीक है, अब कौन बताएगा, कोई यार, दीपक ने बता दिया, रिया ने बता दिया, शायस्ता, शायस्ता अनम्यूट करो, यस सर, बताओ बेटा क्या क्या है, क्या क्या बताया मैंने, रावली हाँ बताओ, बी कॉन्फिडेंट, रावली हाँ रावली रेंज जो है वो दिल्ली टू गुजरात तक एक्सटेंड की हुई है, और इसका हाईएस्ट पीक जो है वो माउंट आबू में है, और उसका नाम गुरु शिखर है, वेरी गुड, और यहाँ और ये इससे हमें क्वार्ट क्वार्टजाइट शीट और ग्रेनाइट और मार्बल मिलता है, और यहाँ पर सिंचेट, कॉपर क्या सर सिंचेट, सॉरी सी सिंचेट, सिंचेट, चिट, अच्छा सी चिट, ओके, और यहाँ पर कॉपर जिंक और लीड और माइका पाया जाता है मिनरल्स में, और विंध्या रेंज है, विंध्या रेंज जो है वो गुजरात से बिहार तक एक्सटेंड की हुई है, और ये फॉल्टिंग से बनी बनती है, और यहाँ पर रॉक्स जो हैं वो सैंडस्टोन लाइमस्टोन पाए जाती हैं, और यहाँ इसी विंध्या रेंज को एमपी में भाई भाई नेर कहते हैं, और बिहार में कैमूर के नाम से जानते ये हैं। फॉल्टिंग क्या होता है पहले बेटा ये बताओ, तो फॉल्टिंग जब दो रॉक्स दूर जाती हैं तो क्रैक्स होते हैं, तो क्रैक्स बनते हैं, तो उस क्रैक्स तो उस क्रैक्स की वजह से क्रैक्स बनते हैं उसको फॉल्टिंग कहते हैं, ठीक है डन, हाँ ओके यस आगे चलते हैं, अब आता है सतपुरा रेंज, ठीक है, अब ठीक है सतपुरा रेंज मैप का है, मैप पे दिखा देता हूँ मैं एक बार, आपके पास ये पीपीटी है, सब लोगों के पास पीपीटी है, किसके पास नहीं है, मेरे पास नहीं है सर। तेरे पास नहीं है, बहुत बढ़िया बात है, और किसके पास है, मैंने इतने रात रात बैठ के बनाई है बहुत पहले, किसके पास नहीं है, शायद होगी, ढूंढनी पड़ेगी कोई अपना सर, एक, वे ग्रुप पे है ना हमारे, कौन से ग्रुप ग्रुप पे पे ही पता है सर, ये तो है, वही तो क्लास का ग्रुप है। मुझे नहीं पता मैं कोई ग्रुप में हूँ नहीं, ठीक है ठीक है, अगर किसी को एक कोई एक बंदा अपना मेल आईडी दे दे तो मैं अभी पीपीटी दे दूंगा, अभी चलती क्लास में, junaidtomar@gmail.com यार इस इसमें लिख दे, ठीक है, इंद्रनील मोंडल, ऐसा बंदा देना कि जिसका ग्रुप ड्रॉप हो, ठीक है, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, बस अब मत दो, अब मत दो, हो गया मेरा काम, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तुम्हारे को पीपीटी की दिक्कत ना हो, इसमें से देख के लिख लेना, पढ़ लेना तुम, बस जाओ खुश रहो, लो जिस जिसने मेल आईडी दिया था दो तीन लोगों को मैंने भेज दिया है, सर। मीनवाइल एक बात थी, बताओ मीनवाइल क्या बात थी, करंट अफेयर्स में सर जिंदगी झंड है बिल्कुल, उसका क्या करें? क्यों झंड है तेरी जिंदगी, कौन पढ़ा था तुम्हें करंट अफेयर्स, नहीं वो वाले नहीं जो डेली बेसिस पे होते हैं, वो क्यों, जो क्लास है वो तो ठीक लग रही है। पहले मैं करंट अफेयर्स पढ़ाता था, सन विशाल वोरा को मैंने करंट अफेयर्स पढ़ाया है, तो फिर ये बोला गया कि क्या बोलते हैं ज़्यादा क्लासेस चाहिए, फिर मैंने करंट अफेयर्स छोड़ दिया, अब मैं ज्योग्राफी एनवायरनमेंट ये सब छोड़ दूंगा, बताओ क्या एजेंडा है, मैं ये कह रहा था कि जैसे आप वो एडिटोरियल वगैरह भी आप ही कराते हो, नहीं मैं नहीं कराता, और जो वो होती है सीए की क्लासेस जो डेली डेली लगती हैं आधे घंटे की, उसमें नहीं वो समझ यूट्यूब पे आता, लेते हो आप? मैं नहीं लेता भाई, वही पूछ रहा था कि आप लेते होगी नहीं। चलो नहीं मैं नहीं लेता, कोई बात, बताओ तुम्हें पता है करंट अफेयर्स में दिक्कत क्या है, यही सर की रीडिंग हैबिट अभी है नहीं अभी इतनी। यार मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मैं अपना एक छोटा सा कंसेप्ट 5 मिनट में शेयर कर लेता हूँ, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो उसको रखना, ठीक है,
अगर नहीं लगे तो तुम उसको रिजेक्ट कर देना, ठीक है? 5 मिनट लूँगा, शेयर करूँगा, ठीक है? मेरे दो तीन प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है? वन इज, ठीक है, बता देता हूँ, जैसे मेरे को पॉलिटी पढ़ना है, ठीक है, पॉलिटी पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, ठीक है, यही सारे मेन सब्जेक्ट होते हैं, ये सारे मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसके अलावा कुछ है तो बता देना भाई। जो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर्स, इसके अलावा कुछ है? इसके अलावा कुछ है? नो सर। कुछ तो नहीं है ना? अब मेरी बात सुनो, देखो ये सब्जेक्ट्स कैसे पढ़े जाते हैं आज तक, देखो ये सब्जेक्ट्स कैसे पढ़े जाते हैं, जैसे मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, मेरा पढ़ने का तरीका क्या है, ये सब्जेक्ट मैंने सारे आईएएस के लिए पढ़े, ठीक है? जब मैंने आईएएस के इंटरव्यू में बैठा था तो मेरे को समझ में आ गया, और मैं तुम्हें साफ साफ बता दूँ, जो नोट्स तुम्हें मैं पढ़ाता हूँ ना, ये भी आईएएस लेवल के नोट्स हैं, ठीक है? तो तुम लोग क्या करते हो ना, तुम लोग ये करते हो कि मैं पढ़ाऊँगा तब तुम पढ़ोगे, भाई यार तेरा मकसद क्या है, ठीक है? तुम्हारा मकसद क्या है? तुम्हारा मेजर मकसद है यार पेपर निकालना, राइट? योर मेजर एजेंडा इस पेपर निकालना। अब क्या करो, ठीक है, कैसे करोगे? सिंपल, एक होनी चाहिए तुम्हारे पास रफ कॉपी, एक होनी चाहिए तुम्हारे पास रफ कॉपी, एक होनी चाहिए फेयर कॉपी, ठीक है, जो कि तुम्हारा फाइनल कॉपी होगा, ठीक है? अब तुम कैसे करोगे इस चीज को, जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है या खुद नोट्स को पढ़ो, जो अब मेरे पास जब भी फ्री टाइम होता है कीप ऑन रीडिंग, उसको रफ कॉपी में लिख कर प्रैक्टिस कर लो, अच्छे से अच्छे से अच्छे से अच्छे से लिख कर प्रैक्टिस कर लो, कि 10 बार लिख लो, ठीक है? अब इस रफ कॉपी में क्या ऐड करो, जैसे मैंने तुम्हें प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी बताया या तो पॉलिटी का कोई आर्टिकल बताया, तुम्हें वो समझ में आ गया, तुमने इसमें रफ में लिखकर उसको 5 बार प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है? उसके बाद भाई उसको एक बार फाइनल कॉपी में लिख दो, फाइनल कॉपी में लिख दो, इसमें जब लिखोगे प्रॉपर अंडरलाइन वाला करके लिखना कि पेपर से पहले मैं ये प्रैक्टिस करूंगा, ये रिवाइज करके जाऊंगा, फिर तुम ये चीज को कभी भी किसी और के नोट से नहीं पढ़ोगे, खाली फाइनल कॉपी से पढ़ोगे। उसका रीजन बताता हूँ, उसका रीजन मैं बताता हूँ, देखो जब आप कोई भी चीज 10 बार लिखते हो, 10 बार लिखते हो, उसको पढ़ते हो, तो उसमें बहुत सारा कंटेंट होता है, उसमें से आप कुछ ही कंटेंट आप अपने फाइनल कॉपी में लिखोगे, ठीक है? ये कंटेंट वो कंटेंट होता है कि जब आपको लगता है कि भाई ये मेरे लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जब फाइनल कॉपी में लिख लोगे उसको भी आप अंडरलाइन करोगे ना, देयर आर 3 मॉड्यूल्स ऑफ रिविजन, 3 मंथ्स बिफोर एग्जाम यू विल रिवाइज वंस, 3 महीने पहले, ठीक है, एग्जाम से 2 महीने पहले और 1-2 दिन पहले, 3 महीने पहले ये पढ़ोगे, उसके बाद इसमें आपको कुछ डाउट होगा आप वहीं पे मार्क कर दोगे, यार ये थोड़ा पंगा वाला है, 2 महीने पहले आप वो डाउट वाला पोर्शन पढ़ोगे, और ना फिर उसके बाद इसमें से भी आपको कुछ निकलेगा पेपर से 1 दिन पहले आप एक बार नजर मारोगे ना, आपको पक्का हो जाएगा। दिस इज माई मॉड्यूल ऑफ लर्निंग, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारा, ठीक है? और ठीक है, अब आते हैं बात करंट अफेयर्स की। बात करंट अफेयर्स में आपको मैं बता देता हूँ दिक्कत क्या है, करंट अफेयर्स में ना आप लोग क्या करते हो, मल्टीपल सोर्सेस रेफर करते हो, मल्टीपल सोर्सेस। सर जनरल के लिए एक चीज़ पूछनी थी, करंट अफेयर्स में सोर्सेस बहुत है, कहाँ से पढ़ूँ, एंड एंड में कुछ ढंग से नहीं होता, तो आप सजेस्ट कैसे करेंगे? भैया मैं वही तो बता रहा हूँ, तुम वेट ही कर लो, रिया दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग, ठीक है, कि हाउ टू रीड करंट अफेयर्स, ठीक है? सर मैंने भी 2 क्वेश्चन भेजे हैं आपको व्हाट्सएप पे, वो भी एक्सप्लेन कर देना सर कहाँ है भैया, आंसर। या मेरे पास फोन नहीं है अभी, मैं चलो मैं फोन बता नहीं, दूंगा सर, क्वेश्चन ये भेज देता हूँ। ठीक है, वैसे बता दियो अभी, मैं बता दूंगा, ठीक है? सी, करंट अफेयर्स का, करंट अफेयर्स पढ़ने का जो सिंपल तरीका है, यूजली कीप टू सोर्सेस, टू सोर्सेस, ठीक है, टू सोर्सेस। मेरा करंट अफेयर्स पढ़ने का नजरिया क्या है, बिकॉज सी आई एम वेरी लेजी, मेरे जितना लेजी और लेड बैक इंसान कोई नहीं होगा, ठीक है? तो मेरे को ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ते रहूँ, विशाल मुझे बहुत अच्छे से जानता है, ठीक है, विशाल मुझे बहुत अच्छे से जानता है, तो मैं कितना लेजी आदमी हूँ, तो मैं करंट अफेयर्स कैसे पढ़ता हूँ, ठीक है? कितना बेशरम है, कि झूठ मत बोलो सर, मैं लेजी नहीं हूँ, तूने मेरे को कितनी बार देखा है, ठीक है? अब करंट अफेयर्स कैसे पढ़ते हैं, अगर आपको किसी भी जगह एक करंट अफेयर्स का न्यूज़ मिल गया, ठीक है, सपोज आपने कहीं भी एक करंट अफेयर्स देखा, कहीं भी आपने 2 साइट ले ली, चलो सपोज आपने ले लिया क्लाउड अफेयर्स,
ठीक है, क्लाउड अफेयर्स में आपने करंट अफेयर्स देखा, ठीक है, यहाँ से आपने करंट अफेयर्स का हेडिंग पढ़ लिया, हेडिंग पढ़ लिया भाई, खाली वहाँ से हेडिंग निकाल, खाली वहाँ से हेडिंग निकालो। मैं कहीं भी किसी का कंटेंट नहीं पढ़ता, टू बी वेरी फ्रेंड, मैं कहीं भी किसी का कंटेंट नहीं पढ़ता अनलेस एंड अंटिल आई एम मेकिंग द करंट अफेयर्स या मैं खुद उसको एडिट कर रहा हूँ, मैं खुद। खाली हेडिंग निकालो, ठीक है, हेडिंग निकालने के बाद क्या करो, उसको आप अपने रफ कॉपी पे लिख लो या करंट अफेयर्स कॉपी में लिख लो हेडिंग, ठीक है। आज के दिन आपने पांच करंट अफेयर्स निकाले, पांच करंट अफेयर्स निकाले, छह निकाले, ठीक है, फर्स्ट थिंग, ठीक है। अब 1, 2, 3 करके उसको नंबर 4, 5, 6 कर दो। अब आपको पता चल गया कि आज के दिन भाई मैंने छह करंट अफेयर्स निकाल दिया। अब जो आप लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लर्निंग रीडिंग एंड एनालिसिस। आप लोग रीड करते हैं, लर्न करते हैं, एनालिसिस नहीं करते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत है, ठीक है। अब क्या करो, रीड एंड लर्न दिस आर डन बाय किड्स, ठीक है, किड्स, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, सो यू शुड बी डेफिनेटली लेजेंड्स, यू शुड एनालिसिस द थिंग्स। एनालिसिस कैसे करते हैं, जो पहला हेडिंग निकाला है, आपको सबसे कंफर्टेबल लैंग्वेज कौन सी लगती है, हिंदी, इसको निकालो भैया, यूट्यूब में हेडिंग टाइप करो, एंटर मारो, उससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ है आराम से हेडफोन लगा के सुन लो कि क्या कह रहा है। न्यूज़ सुनने का भी तरीका होता है, न्यूज़ सुनने का तरीका सिंपल होता है, 5 मिनट का न्यूज़ होगा या 5 मिनट का किसी ने तो एक्सप्लेन किया होगा, ठीक है। आप लोग क्या करते हैं, ये 5 मिनट का आप लोग सोचते हैं 20 मिनट वाला सुनूंगा, क्यों भाई, जब चीज़ 5 मिनट में मिल गई है तो तू 20 मिनट वाला क्यों सुनेगा, तेरे को आइडिया तो चाहिए, ठीक है, 5 मिनट वाला सुनो। 5 मिनट वाले में भी क्या करना है, 30 सेकेंड सुनना है, जो 30 सेकेंड उसने कहा है उसको लिखना है, ठीक है, उसको लिख लिया, ऐसे करके 5 मिनट का न्यूज़ आप उसको कम से कम 30 मिनट्स में एनालिसिस कर लेंगे, उसको लिख लिया, ठीक है, लिख लिया, बढ़िया। आपके लिखने के बाद आपने जहां से ये हेडिंग निकाली है उससे आप उसको मैच कर लो कि भाई उधर क्या लिखा था, उधर कुछ एडिशनल लिखा है तो एक अलग कलर के पेन से उसको इधर लिख लो, दिस इज कॉल्ड एज एनालिसिस, रैदर देन किसी का लिखा हुआ चीज को पढ़ने से अच्छा है खुद के लिखे हुए चीज को दूसरों को दो, ठीक है। नेवर रीड द थिंग्स, ऑलवेज एनालिसिस द थिंग्स, ठीक है, और इस तरीके से क्या होगा, और कभी भी फिर एक बार जब पेपर देने जाओगे ना, पेपर देने जाओगे, एक चीज याद रखना, सबसे गलत चीज आप लोग क्या सोचते हो, डोंट टेक इट अ नेगेटिव वे, आप लोग क्या सोचते हो कि यार मैं ये भी पढ़ लूं, वो भी पढ़ लूं, सब पढ़ लूं, भाई कभी भी पेपर नहीं निकलेगा, कभी भी पेपर नहीं लगेगा, मुझसे लिख के ले लो। देखो, टू क्लियर कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिंपल मंत्रा इज लर्न लेस रिवाइज मोर, ठीक है, कम पढ़ो ज्यादा रिवाइज करो, कम पढ़ो ज्यादा रिवाइज करो। और एक और तरीका बता देता हूं कि जितना रिवीजन में आगे जाओ स्टडीज कंसाइज होनी चाहिए आपके। देखो, पहली बार जब आप मटेरियल लिखोगे ना, पहली बार मटेरियल लिखोगे तो क्या होता है कि आपके पास 15 लाइन होगी, क्यों भाई, जब आप पहली बार लिख रहे हो तो आपको उस चीज के बारे में आइडिया नहीं है कि एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। जब दूसरी बार आप उसको रिवाइज करके लिखोगे ना तो आपके पास 10 लाइन होगी, ठीक है, तो अब आपको थोड़ा अच्छा यार ये तो चीज एंटिसिपेटरी है कि हाँ ये 5 लाइन तो मेरे को अब याद ही हो गया, चल इसको छोड़, इंपॉर्टेंट 10 पॉइंट। जब तीसरी बार लिखोगे ना भाई, आपके पास वो 5 लाइन होगी जो पेपर में पूछा जाएगा, एंड वही 5 लाइन पेपर से एक रात पहले रिवाइज करना है। अगर जो बच्चा पेपर से एक रात पहले 15 लाइन वाली चीज रिवाइज करता है तो वो कभी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं निकालेगा, ये मुझसे लिख के ले लो। ये मैं जीएस में नहीं कह रहा, ये मैथ्स में भी कह रहा हूँ, मैथ्स इंग्लिश जो भी आप पढ़ते हैं, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि अगर मोहित सर 50 क्वेश्चन करवाते हैं एक टॉपिक के, जब आप सेकेंड रिवीजन करोगे तो आपके पास मोहित ने जो 50 क्वेश्चन करवाए हैं उसमें से यू शुड बी एबल टू टेक 30 विच आर मोस्ट डिफिकल्ट फॉर यू। जब वो 30 के बाद आप जब 30 कर लोगे, जब थर्ड रिवीजन कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि यार ये 15 क्वेश्चन है जो कि मुझे दिक्कत दे सकते हैं, और आप पेपर से पहले उस 15 क्वेश्चन को रिवाइज करोगे ना कि 50 क्वेश्चन को रिवाइज करोगे। जितना स्टडीज में आगे जाओ उतना आपका स्टडी कंसाइज होना चाहिए रैदर देन एक्सपैंडिंग। और
ये आदत छोड़ दो कि मैं ये भी पढ़ूंगा वो भी पढ़ूंगा, भाई कंसेप्ट शुड बी जो पढ़ूंगा ढंग से पढ़ूंगा, जो पढ़ूंगा ढंग से पढ़ूंगा। आई टीच पॉलिटी, आई टीच इकोनॉमिक्स, आई टीच हिस्ट्री, आई टीच साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नाउ आई टीच यूपीएससी। ठीक है, एक बात विशाल को, विशाल अनम्यूट करना। यस सर। ठीक है, विशाल के बैच, विशाल देवर उनके बैच से मैंने पढ़ाना अपना कैरियर शुरू किया था कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम, उससे पहले मैं आईआईटी दिल्ली में टीचर्स को पढ़ाता था। ठीक है, तो इनको बैच से मैंने कॉम्पिटेटिव एग्जाम शुरू किया था जब मेरा यूपीएससी का इंटरव्यू हुआ था। उसके बाद आज मैंने अपने थ्योरी को सिंपल रखा है, मैंने सिंपल थ्योरी रखा है। मैं इनको भी हर वक्त कहता हूँ, ये मेरा स्टूडेंट के अलावा अच्छे दोस्त भी है। ठीक है, मैंने अपने थ्योरी को हर वक्त सिंपल रखा है। वेन यू आर लर्निंग, लर्न हार्ड, लर्न रूथलेस, कि यार मुझे उस चीज के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। तो उसके लिए यू नीड टू स्पेंड आवर आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स। ठीक है, उसके बाद इस तरीके से पढ़ो कि आप किसी और को पढ़ा सको। आप लोगों में से मुझे तो ऐसा कोई दिखता नहीं है कि किसी और को पढ़ा सको। ठीक है, बट हाँ कुछ टाइम के बाद, जैसे मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, देवरुण, देवरुण रॉय, विशाल जानता है, देवरुण भैया को जानता है ना विशाल? यस सर। ठीक है, वो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे से सब्जेक्ट्स प्रॉपरली पढ़े हैं। नाउ व्हेन आई एम लीडिंग द आईएएस टीम, मैंने उनको जॉब ऑफर किया है कि भाई हाँ मेरे अंडर आके पढ़ाओ और लोगों को पढ़ाओ। तो यू शुड एबल टू रीच दैट एटीट्यूड। जैसे रिया ने बोला है, करंट अफेयर्स टेंड्स टू बॉदर अस, देर इज नो रीजन टू बॉदर यू, देर इज नो रीजन, नो रीजन, ओनली थिंग यू आर रीडिंग द थिंग्स एंड लर्निंग द थिंग्स। व्हाई आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई आर यू क्रैम्पिंग द थिंग्स, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई आर यू क्रैम्पिंग द थिंग्स। सिंपली एक टॉपिक लो, एक टॉपिक लो भाई, आप क्यों पढ़ रहे हो एक दिन 10 टॉपिक? एक दिन तुम 5 टॉपिक पढ़ो, 5 टॉपिक पढ़ो। ठीक है, 5 टॉपिक पढ़ो, मंडे से फ्राइडे कितने टॉपिक हो गए? मंडे से फ्राइडे 5 टॉपिक्स अ डे, 25 टॉपिक्स, 25 टॉपिक्स, सैटरडे रिवाइज दिस 25 टॉपिक्स, खत्म कहानी। 25 टॉपिक्स 1 वीक, 25 टॉपिक्स 1 वीक, इससे ज्यादा क्या चाहिए तुम्हें? और जैसे जैसे आगे जाओगे कॉन्फिडेंस हो रहा है, ठीक है भाई मैंने एक और बढ़ा दिया 6 हो गए, फिर एक और बढ़ा दिया 7 हो गए, तो नंबर इज इंक्रीजिंग एंड सैटरडे एंड संडे यू आर गेटिंग टू रिवाइज। भाई एनालिसिस द टॉपिक, ठीक है, तभी तुम दुनिया की चीजों के बारे में जान पाओगे, अदरवाइज किताबी कीड़े बन के रह जाओगे। और आई डोंट वॉन्ट माई स्टूडेंट्स टू बी लाइक क्रैम्पिंग द थिंग्स एंड बुक वर्म्स। अगर तुम्हें दुनिया की चीजें जाननी है, इफ अगर तुमसे कोई, जैसे मैं तुमसे बोल रहा हूँ हु इज फिडेल कैस्ट्रो और हु इज अब्राहम लिंकन, हु इज बराक हुसैन ओबामा, हु इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मैराडोना। ठीक है, सो यू शुड बी एबल टू एक्सप्रेस दैट, बिकॉज आपको आदत होनी चाहिए चीजों को जानने की और एनालिसिस करने की। ठीक है, रैदर देन, हाँ अभी जैसे मैराडोना, द वर्ल्ड फेमस डियागो मैराडोना पास अवे, अब डियागो मैराडोना कौन है? कौन है डियागो मैराडोना जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है? फुटबॉल प्लेयर, लेजेंड्स, फुटबॉल प्लेयर। व्हाई डियागो मैराडोना इज फेमस? न्यूज़ में बस इतना ही पता चला था कि डियागो मैराडोना इज अ फेमस लेजेंडरी फुटबॉलर फ्रॉम अर्जेंटीना। अब आपको वो जानने की जरूरत है कि भाई अर्जेंटीना से क्यों फेमस है। ठीक है, अगर दो फुटबॉलर ऑफ द सेंचुरी, ठीक है, इट इज नॉट गोल्ड ऑफ हैंड इंद्रनीली, इट इज गॉड ऑफ हैंड। ठीक है, और गॉड ऑफ हैंड भी नहीं है, हैंड ऑफ गॉड। ठीक है, ठीक है, अर्जेंटीनियन फुटबॉल प्लेयर, अगर 100 साल की हिस्ट्री में बेस्ट दो फुटबॉलर देखा जाए तो इट इज पेले फ्रॉम ब्राजील एंड डियागो मैराडोना फ्रॉम अर्जेंटीना। 1986 में वर्ल्ड कप में इन्होंने अर्जेंटीना को सिंगल हैंडेडली वर्ल्ड कप जिताया था। ठीक है, वर्ल्ड कप जिताया था 1986 में। ठीक है, उस वर्ल्ड कप में इन्होंने एक गोल मारा था, एक गोल मारा था जो कि फुटबॉल में अलाउड नहीं होता, इनके हाथ से गलती से बॉल टकरा के गोल पोस्ट में लैंड हुई थी। ठीक है, ये जर्मनी के खिलाफ हुआ था जो इन्होंने गोल मारा था। तो उनसे प्रेस में पूछा गया था कि आपने हाथ से टकराए क्यों, टकरा के गोल क्यों मारा, तो उन्होंने जवाब दिया था, इट इज नॉट माई हैंड, इट इज द हैंड ऑफ गॉड विच रिजल्टेड इन दैट गोल। ठीक है, तो यू शुड बी एबल टू इलेबोरेट द थिंग्स। अगर मैं आपसे पूछूं सहेली प्रोजेक्ट किस चीज का है, सहेली प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया?
सहेली प्रोजेक्ट, सहेली प्रोजेक्ट बताओ कौन बताएगा? सहेली प्रोजेक्ट, सहेली कोई है? आज आपकी करंट अफेयर्स की क्लास हुई थी ना विशाल, अमृता, सुनील, उसमें ये बताया था सहेली प्रोजेक्ट, ये पिछले हफ्ते का करंट अफेयर है। सर करंट अफेयर तो बैंक ओरिएंटेड चल रहा है बस। अच्छा बैंक ओरिएंटेड में क्या पढ़ा है? बस स्कीम्स पढ़ाए जा रहे हैं। अच्छा सहेली प्रोजेक्ट मैं बता देता हूँ, मैं ही बता देता हूँ, कोई बात नहीं। इंडियन रेलवे प्रोजेक्ट ये जो है सहेली वाला क्या है? इंडियन रेलवे द्वारा ये लॉन्च किया है। वेरी गुड, इंडियन रेलवे द्वारा है ना ये, इंडियन रेलवे द्वारा लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट है ये। उस इसलिए लॉन्च किया गया है जो कि हमारी भारत की महिलाएं जब रेल ट्रेन में जाती है तो उनके लाइफ में एक अनसिक्योरिटी फील होती है, उनके लाइफ में थोड़ा थ्रेट होता है, उनके लाइफ में थोड़ा थ्रेट होता है कि वो एक अनसेफ्टी फील किया जाता है। इस प्रोजेक्ट के तहत एक विमेन ऑफिसर, इट इज़ नॉट फॉर एशियन वुमेन्स, इट इज़ फॉर विमेन्स हु ट्रैवल बाई ट्रेन, हु ट्रैवल बाई ट्रेन, उनको एक ऑफिसर मॉनिटर करेंगी हर वक्त जाकर कि उनकी सेफ्टी है, और इनमें उनके साथ एक टीम होगी, ठीक है? और दिस इज सहेली प्रोजेक्ट। बैंक ओरिएंटेड में आज क्या पढ़ा है? करंट अफेयर्स में आज क्या पढ़ा है? सर स्कीम स्कीम सी बस पढ़ाया जा रहा है उसमें, और बैंक से रिलेटेड किस बैंक ने क्या एमओयू साइन किया। कौन सा स्कीम पढ़ाया सर? मैंने ध्यान नहीं दिया फिर उतना। बहुत बढ़िया करा तू, तू और पिटेगा मुझसे। इम्पॉर्टेंट डेट्स, अच्छा अमृता 26 नवंबर किस चीज़ के लिए फेमस है? अभी पास हुआ है दो दिन पहले, अगर इम्पॉर्टेंट डेट्स पढ़ाया तो 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे, कॉन्स्टिट्यूशन डे, वेरी मिल्क डे, इट्स मिल्क डे एंड एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशन डे, ठीक है? ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेशनल लॉ डे, ठीक है? ये सब पढ़ाया? यस सर, ये बताया था। अच्छा, और अभी क्या बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम एंड स्टैटिस्टिक इम्प्लीमेंटेशन ने एक एक स्कीम लॉन्च किया है। मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम एंड स्टैटिस्टिक इम्प्लीमेंटेशन ने एक स्कीम लॉन्च किया है, एमएसएमई हेल्थ कार्ड स्कीम। उस स्कीम का नाम मतलब उस स्कीम में किसी और ने भी हाथ बटाया? व्हाट इज इट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने वो हाथ बटाया? मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम एंड स्टैटिस्टिक इंप्लीमेंटेशन ने एक स्कीम लॉन्च किया है, बताओ कौन बताएगा मुझे? बताओ, कोई नहीं बता रहा। पर वैसे पढ़ा नहीं है अभी तक, फिर भी गूगल करके बता देंगे। क्यों, फिर मैं तुमसे क्यों पूछता? मैं खुद गूगल कर लेता। बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ सर, आप ही बता दो। मैं क्यों बताऊं, खुद बताऊं? तब तो हम गूगल ही करेंगे। ठीक है, तुम गूगल कर लो, ठीक है? एमएसएमई का स्कीम लॉन्च किया था, ठीक है, सिबिल ने, ठीक है, ठीक है। तुम जैसे मैंने करंट अफेयर्स बोला ना वैसे जरा पढ़ के देखो, यू विल एंजॉय इट, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, और आज मैंने भी कुछ करंट अफेयर्स दिए यार, वो भी पढ़ लो। रोमा देती होंगी करंट अफेयर्स, रोमा डेली मुझसे करंट अफेयर्स मांग के ले जाती है। सर लेट लेट आते हैं सर। क्या बात कर रहा है? और सर अभी जो हमारी क्लास हुई है सुबह हुई थी, अभी इतना टाइम था रिवाइज कर सकते थे, बट आते ही नहीं है ग्रुप पे। मेरा करंट अफेयर्स तो आ गया होगा ना ग्रुप में? वो भी सर तो नहीं यार, आपका करंट अफेयर तो आ ही नहीं रहा है कई दिनों से। क्या बात कर रहा है यार, क्या बात कर रहा है? तुम वेबसाइट पे देखो ना। हाँ ये बात तो, वेबसाइट पे तो सर 2-3 महीने पुराने करंट अफेयर पड़े हैं। हो ही नहीं सकता यार, मैं तो डेली करंट अफेयर्स देता हूँ, मुझे तो डेली करंट अफेयर्स मांगते हैं। मैं प्लूटस आईएएस के लिए बनाता हूँ तो डेली मांगते हैं। चलो मैं रोमा से पूछता हूँ, ठीक है सर? क्वेश्चन मेरा, एक क्वेश्चन करा दो सर। पूछो पूछो पूछो। क्वेश्चन ये, व्हेन इंक्रीज इन इनकम द इंक्रीज इन रेशियो बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर चेंजेस टू, व्हेन इंक्रीज इन, अगर इनकम इनकम इंक्रीज हो रही है तो इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना चेंज होगा?
वो डिपेंड करता है कि इनकम कितना इंक्रीज हुआ है। ऑप्शंस हैं क्या इसमें वही तो तो क्वेश्चन सर। हाँ ऑप्शन है सर इसमें, बताओ। ऑप्शन ए है इन सेम रेशियो, ऑप्शन बी है रेशियो लेस देन वन, ऑप्शन सी है रेशियो मोर देन वन, और ऑप्शन डी है नन। इसका आंसर भी बता देता हूँ सर, आंसर है इसका रेशियो लेस देन वन। बस एक्सप्लेन कर दो कैसे इनकम। ओके डेफिनेटली ठीक है। अगर देखो लेस देन या इक्वल टू वन होगा, लेस देन वन है सर। उसने पूरा ऑप्शन लिखा नहीं है, लेस देन इक्वल टू वन ठीक है। मैं बता देता हूँ ठीक है। जब भी इनकम या एक्सपेंडिचर या कोई भी चीज़ को प्लस करते हैं अर्थमेटिक के टर्म में, तो हम उसको हर वक्त इक्वल टू वन मानते हैं। हम वन को एक स्टैटिक कांस्टेंट मानते हैं। तो इसमें इसने पूछा है कि इनकम इंक्रीज करते वक्त क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर कितना बढ़ सकता है हर वक्त प्लस करके, दोनों को प्लस करके एक ही माना है हमने, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक बढ़ सकता है या एक से कम बढ़ सकता है, उससे ज़्यादा कभी नहीं बढ़ सकता। तो इसने क्या करा है कि इनकम प्लस एक्सपेंडिचर को इसने कांस्टेंट माना है, और वो हर वक्त करते हैं। कोई भी ज्योमेट्रिकल वैल्यू को हम हर वक्त, क्लास छोड़ दो बच्चे की मीटिंग है ठीक है, क्लास छोड़ दो बच्चों की मीटिंग है ठीक है, ओके डन ठीक है। इनकम प्लस एक्सपेंडिचर को इसने वन माना है, दैट इज कांस्टेंट ठीक है। तो अगर इनकम में कितना भी इंक्रीज कर दूं तो एक्सपेंडिचर वन से ज्यादा तो इंक्रीज हो ही नहीं सकता ना। यस सर, बस यही उसने ठीक है। एक छोटी सी चीज और भाई, अब मुझे ना एक पर्ची आई है कि क्लास छोड़ दो कि बच्चों की मीटिंग है, मैं छोड़ देता हूं। ठीक है सर, इकोनॉमिक्स की क्लास में पूछ लूंगा। हां ठीक है, कल की क्लास में पूछ लेंगे ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट। थैंक यू सर।